दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों गार्डनिंग करने के लिए खास करके टेरेस पे जब हम बागवानी करते हैं तो गमले की ज़रूरत होती ही होती है और इस ज़रूरत को पूरा मैं अपने आप गमला बना के करता हूँ, ना कि खरीद के। कुछ दिन पहले मैंने गमला का एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसे आप लोगों ने बहुत लाइक किए थे, बहुत प्यार दिए थे, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। उसको देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना गमला बनाने का तरीका मैं अपने YouTube फैमिली से भी शेयर करूं। यही सोच के मैंने आज जो गमला बनाऊंगा वो आप लोगों से वीडियो बना कर शेयर करूंगा ताकि आप भी अपने आप गमला बना के बागवानी कर सकें। तो बगैर किसी देरी के चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसे मैं गमला बनाता हूँ, क्या क्या सामान चाहिए गमला बनाने के लिए और कैसे गमला मैं मसाला मिलाता हूँ, कैसे गमला बनाता हूँ, कैसे मोल्ड से बाहर निकालता हूँ। ए टू जेड पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा और पूरा प्रोसीजर देखिएगा ताकि आप भी अपनी बागवानी के लिए खुद ही गमला बना सकें। अभी आपके स्क्रीन पे जो गमला दिख रहा है ये सब सेमी फिनिश्ड है और कुछ जो मोल्ड से मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है वो सब कुछ अभी दिख रहा होगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कैसे मैं गमला बनाता हूँ। दोस्तों अब गमला बनाने की प्रक्रिया को मैं शुरुआत करता हूँ और स्टार्टिंग में इस गमले को बनाने की प्रक्रिया का शुरुआत करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ। ये रेता है और इसमें सीमेंट और ये है पुट्टी। ये तीन मेन रॉ मटेरियल आप कह सकते हैं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, यानी कि गमला को बनाने के लिए। बड़े ही सस्ते रेट में ये सारे ही चीज़ आपको मिल जाएगा और इसको आप अपने पास के हार्डवेयर की दुकान से या रेता बजरी की दुकान से आप ये सब ला सकते हैं। इसके अलावा जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है ये शटरिंग ऑयल की। शटरिंग ऑयल की जगह आप चाहें तो गाड़ी की सर्विस कराने के बाद जो जला हुआ इंजन ऑयल होता है उसको भी इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं। मैंने इस्तेमाल किया है ये शटरिंग ऑयल का। ये कन्नी और ये पेंट ब्रश, ये स्क्रू ड्राइवर और ये स्पून, इन सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप भी यदि गमला बनाना चाहते हैं तो पहले ये सब चीज़ की इंतज़ाम कर लें। और ये तो बिल्कुल ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मोल्ड यानी कि प्लास्टिक के वो गमले, वो सांचे जिसमें मैं बनाता हूँ। तो अब चलिए इस प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं बनाने से और सबसे पहले क्या करते हैं ये आपको दिखाते हैं। पहले माप लेता हूँ और रेता मापने के बाद इसमें सीमेंट मिलाऊंगा और मैं जो जिस रेशियो से बनाता हूँ वो है 3:1, यानी तीन डब्बे रेते का और एक डब्बे सीमेंट का। जी हाँ दोस्तों, तीन डब्बे रेते का डालते हैं और एक डब्बा सीमेंट का डालते हैं, इसमें मजबूती बहुत बढ़िया बन जाता है। और यदि हम चाहें तो इसको 3 से 4 या 5 भी 5:1 का भी मसाला बना सकते हैं, वो भी ठीक ठाक होता है। लेकिन मैं यदि खुद बनाता हूँ तो कोशिश यही रहती है कि ये एक बार बना दिया तो ये हमेशा के चलता रहे, जल्दी आसानी से टूटे ना। इस वजह से मैंने 3:1 के रेशियो में मसाला बनाया है और बनाते रहते हैं हम, 3:1 से ऊपर नीचे नहीं करते। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको यदि चाहें तो, 4 या 5:1 में भी बन जाएगा लेकिन मजबूती उतना नहीं जितना कि 3:1 में, इसलिए मैं 3:1 का ही रखता हूँ। ये तीन डब्बा मैंने डाल दिया दोस्तों रेते का और इसमें डालूंगा अब एक डब्बा सीमेंट। मैं केवल एक गमला आपको बना के दिखाता हूँ, इससे ज़्यादा अभी बनाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। एक गमला जैसे बनाते हैं वो दिखाते हैं, बाकी का जो 2-3 मोल्ड और भी है उसको मैं ऑफ कैमरा बना लूँगा। अब एक भाग में डालूंगा इसमें सीमेंट का। सीमेंट मैं कट्टा ना लाके लूज लाता हूँ और जब ये ख़त्म हो जाता है तो दोबारा ज़रूरत पड़ता है तो फिर ले आता हूँ, लेकिन एक साथ में कट्टा ले आकर मैं नहीं रखता हूँ। आप यदि बनाना चाहें या ज़्यादा बनाना चाहें तो ऐसे कट्टे भी ला सकते हैं। ये देखिए 3 के बाद एक ये सीमेंट का पड़ गया और इससे एक गमला आसानी से बन जाएगा।
आप जब भी ये काम करें तो ग्लव्स ज़रूर पहन लें, क्योंकि सीमेंट और रेता को छूने से, टच करने से आपके हाथ के स्किन थोड़े से ड्राई जैसे ज़रूर हो जाएंगे। और मैं भी ग्लव्स का इस्तेमाल करता हूँ। अब इस कन्नी जो मैंने दिखाया था, ये कन्नी चाहिए, उसका इस्तेमाल देख लीजिए, ये मसाला मिलाने के काम में मैं लाता हूँ। आप चाहें तो ग्लव्स यदि पहन रखे हैं तो हाथ से भी इसको मिला सकते हैं। हाथ से ऐसे यदि मिलाएंगे तो ग्लव्स पहनने की वजह से कोई नुकसान नहीं होगा हाथ में। और मसाला बहुत ही ड्राई बनाना होता है, इसमें पानी की मात्रा बहुत कम रखना होता है। यदि आपने पानी की मात्रा गलती से भी ज़्यादा डाल दिए तो गमला बिल्कुल नहीं बन पाएगा। कितना पानी की मात्रा डालते हैं और कैसे मसाला तैयार करते हैं कितना पानी डाल के, ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो इस हिसाब से मसाला हम मैंने हाथ से और कन्नी के सहारे दोनों ही के हेल्प से मसाला मिला दिया। तो मसाला मिक्स करने के बाद अब इसमें पानी डालेंगे और पानी की मात्रा बिल्कुल ही कम रखना है। ज़्यादा हो गया तो ये मसाला बेकार हो जाएगा और हम गमला नहीं बना पाएंगे। कितना पानी डालना है और किस हिसाब का मसाला बनाना है ये मैं अभी दिखाता हूँ आपको। रेता को आप यदि चाहें तो छान भी सकते हैं, मैंने नहीं छाना है क्योंकि इसमें बजरी की मात्रा नहीं के बराबर था, इसलिए मैंने इसको छाना नहीं। और यदि कभी मैं रेता लाता हूँ और उसमें मोटे मोटे बजरी निकलता है तो मैं इसको ज़रूर पहले छान लेता हूँ और बजरी को अलग कर देता हूँ, रेता को इस्तेमाल कर लेता हूँ गमला बनाने के लिए। ये मसाला देखिए बिल्कुल तैयार सा हो गया है, इतना ही ड्राई मसाला हमें चाहिए और इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं। उम्मीद है आप देख रहे होंगे कितना मॉइस्चर बना के रखना है मसाले में, और जब भी आप मसाला बनाएंगे तो इतना ड्राई मसाला ही बनाना है। इतना ड्राई कि देखिए जैसे मैं कन्नी चलाता हूँ तो बिल्कुल ये मिक्स होके बिल्कुल प्लेन हो रहा है, ऐसे ही हमें चाहिए मसाला। तो ये मसाला बिल्कुल तैयार है दोस्तों। अब चलिए आपको गमला बनाना दिखाते हैं। अब इस मसाले को मैं कैसे मोल्ड में लगाता हूँ दोस्तों। अब शटरिंग ऑयल का इस्तेमाल कैसे होता है, क्या होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। शटरिंग ऑयल हमें जो मोल्ड है या जिस पे हम गमला बनाना चाहते हैं, आप चाहें तो मोल्ड की जगह कोई और भी चीज़ ले सकते हैं, बाल्टी या कुछ ऐसे बाल्टी या फिर पेंट का जो खाली बाल्टी हो तो उसके ऊपर भी आप इसी हिसाब से गमला बना सकते हैं। ये शटरिंग ऑयल मैंने दिखाया था हमें चाहिए होगा और उसका इस्तेमाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए शटरिंग ऑयल मैंने सबसे पहले लेयर पे लगा दिया ताकि गमला जब बनाने के बाद निकालूँ तो ईजली निकल जाए। अब इसमें मैं डालूँगा घोला। घोला सीमेंट और पुट्टी के मिक्सर से बनाता हूँ। सीमेंट यदि केवल सीमेंट का बनाऊँगा तो फिनिशिंग ऐसे नहीं आएगी जैसे आती है, फिनिशिंग में थोड़ा सा कलर में डिफरेंट हो जाता है। और पुट्टी यदि मिला देते हैं तो ये देखिए जिस हिसाब से गमला मैंने निकाल के रखा हुआ है उस हिसाब के गमला बिल्कुल परफेक्ट आता है। इसीलिए पुट्टी और सीमेंट के मिक्सर से मैं अब गोला बनाऊँगा दोस्तों। तो ये सीमेंट का परसेंटेज ज़्यादा रखना है घोले में और पुट्टी का परसेंटेज कम, यानी कि 3:1 के रेशियो से आप ये घोला बनाएंगे। तीन मुट्ठी यदि डालेंगे सीमेंट का तो पुट्टी का परसेंटेज 1 ही रहेगा और इसका काम केवल फिनिशिंग लाना होता है, इसीलिए इसको हम मिलाते हैं। इस हिसाब से इसको अब हम
ऐसे मिला देंगे। और ये बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए, मोटा रहेगा तभी ये गमले पे चिपकेगा, और गमला पे यदि नहीं चिपका तो इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। ये मसाला ऐसे, इतना थिक घोला बनाना है दोस्तों। अब इसे हम गमले में उड़ेल देंगे। ऐसे अब इसको ऐसे हम चारों तरफ घुमाएंगे ताकि ये घोला मोल्ड पे आसानी से पकड़ ले, और जो एक्सेस होगा वो दूसरे गमले में गिरा देंगे ताकि उसमें भी जब मैं घोला लगाऊं तो इसी हिसाब से वो भी चिपक जाए। अब इस घोले के ऊपर से सूखा सीमेंट डाल देंगे ताकि ये घोला जहाँ है वहीं फिक्स हो जाए। ये ऐसे ये नहीं डालेंगे तो जो घोला है वो लिक्विड होने की वजह से नीचे टपक जाता, सारे नीचे आके बैठ जाता। अब जो मसाला मैंने बना के तैयार किया था वो मसाला को मोल्ड में लगाने का टाइम आ गया। ये सूखा मसाला ऐसे हाथ में लेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे प्रेस कर देंगे। मैं जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ ये दिखाने का ताकि वीडियो लंबा ना खींचे और कम समय में आप गमला बनाना सीख जाएं। तो इस तरह से दोस्तों मसाला को बिल्कुल अंदर के परत पे ऐसे चिपका देंगे। और मैंने बार बार आपको मसाला ड्राई ही बनाने के लिए इसलिए बोला था कि यदि ये ज़्यादा ढीला होता या ज़्यादा गीला होता तो नीचे की तरफ लटक जाता, इस तरह से जो चिपक गया है इसमें वो नहीं चिपक पाता, और इसको मोल्ड पे चिपकाना निहायत ही ज़रूरी होता है। ये सब अब मैं फिनिशिंग करके आपको दिखाता हूँ। मसाला लगाने के बाद मैं इस चम्मच का इस्तेमाल करता हूँ, आप चाहें तो इसके बदले कांच की बोतल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से ये देखिए कितने आसानी से इस चम्मच के सहारे ये फिनिश हो रहा है। ऐसे आप जितना ही ज़्यादा दबाएंगे, दबा के प्रेस करके इसको फिनिशिंग में लाएंगे, बाहर का जो डिजाइन है वो उतना ही बढ़िया निखर के आएगा और गमला भी मजबूत बनेगा। अमूमन एक गमला को बनाने में 7 राउंड हमें घुमाना पड़ता है तब जाकर ये बढ़िया फिनिशिंग आ पाता है दोस्तों। इस तरह से आपको भी 7 राउंड मोल्ड को घुमा घुमा के ऐसे प्रेस करके मसाला को मिलाना है। छह राउंड मैंने घुमा दिया, एक राउंड और रह गया, ये आखिरी राउंड है।
मैं सभी राउंड का वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो लंबा खींच जाता और एक ही चीज़ को 7 बार क्या दिखाना था। जो भी कुछ अलग टाइप का करूँगा वो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। अभी एक ही तरह से हमें मसाला इसे मिक्स करना है। अब बॉटम लाइन को मैंने फिनिश कर दिया। देखिए बॉटम लाइन भी इस हिसाब से आप चम्मच के सहारे ही या जिस चीज़ के सहारे, यानी कि यदि आप चाहें तो कुछ और चीज़ से भी इसको प्लेन कर सकते हैं। लोग इसे कांच के बोतल से भी ऐसे प्लेन कर सकते हैं। मैं ये चम्मच से ही प्लेन करता हूँ, इसमें बहुत बढ़िया फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से 7 राउंड फिनिश हो गया दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि इसका जो बॉडी है कितना बढ़िया फिनिशिंग लेके बाहर आ चुकी है। अब बारी आती है ये टॉप लेयर की, जिसको मैं अभी फिनिश करूँगा। तो टॉप लेयर को सबसे पहले प्लेन कर दूँगा, ये उभर खाबड़ जैसे जो है इसको एक शेप में कर दूँगा। और कोशिश ये रखना है कि जब भी आप टॉप लेयर को प्लेन कर रहे हो तो उसके साथ हाथ से सपोर्ट जरूर दे दें, नहीं तो ये टूटने का डर रहता है। तो इस हिसाब से आप टॉप लेयर को भी देखें ऐसे प्लेन कर सकते हैं। और इसके ऊपर से हम घोला डालेंगे फिर से, ताकि ये फिनिशिंग अच्छा दिखे। जैसे इसका आउट लेयर यानी कि बाहरी हिस्सा फिनिशिंग दिखाने के लिए मैंने घोला डाला था, अब इसके टॉप लेयर के लिए भी घोला डालूंगा ताकि ये भी अच्छा दिखे फिनिशिंग। ये देखिए अब ये लगभग तैयार सा हो गया है, इसका ऊपर का किनारे भी। ये देखिए दोस्तों बस इतने में ही ये गमला लगभग तैयार है। केवल घोला डालेंगे और इसको छोड़ देंगे धूप में सूखने के लिए। इस हिसाब से ये टॉप लेयर को भी हम कवर कर देंगे इस घोले के सहारे, और ये जब बाहर निकल के आएगा तो ये लेवल भी बहुत बढ़िया फिनिशिंग में दिखेगा। और ये वाला अंदर का जो हिस्सा है ये तो मिट्टी से ढक जाएगा, इसलिए इसमें घोला देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आखिरी इसमें काम रह गया एक और वो है इसमें ड्रेनेज होल करने का। स्क्रू ड्राइवर की मदद से करता हूँ, और आप चाहें तो इसमें किसी और भी लकड़ी का भी सहारा ले सकते हैं, पेंसिल का भी ले सकते हैं, पेन का भी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ से होल कर दें। लेकिन मेरे हिसाब से आपको होल आर पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आर पार यदि कर देंगे तो गमला को निकालने के बाद जब हम इसमें पानी डालते हैं इसकी मजबूती बढ़ाने के लिए, तो आर पार पानी निकल जाएगा तो इसमें पानी टिक नहीं पाएगा। अब थोड़ा सा हिस्सा इसको आर पार ना करें, थोड़ा सा हिस्सा इसको बचा के रखें ताकि इसमें पानी भी टिक सके। और जब हम इसको फाइनली प्लांट लगाने जाएंगे, मिट्टी डालने जाएंगे, उस टाइम में इसको आर पार होल कर देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों बना हुआ गमला मैं कैसे निकालता हूं। जो आज से 36 घंटा पहले मैंने गमला बनाया था वो अब आपको निकाल के भी दिखाऊँगा। दोस्तों अभी आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये तैयार गमले हैं जिसे मैंने बनाया था, और मैंने इसे पेंट भी कर दिया और ड्रेनेज होल भी कर दिए हैं फाइनली। अब हम इसमें मिट्टी डाल के अपने पौधे को लगा सकते हैं। बिल्कुल ये सामने जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सब तैयार गमले हैं, फिनिश्ड गुड इसे आप कह सकते हैं हमारे गमलों का। और इस साइड में मैं यदि दिखाऊँ आपको तो ये सारे छोटे छोटे गमले हैं
ये छोटे गमले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि सीजनेबल प्लांट के लिए ये गमले बहुत उपयोगी होता है। चाहे तो आप इसमें स्ट्रॉबेरी का प्लांट भी लगा सकते हैं, हर एक गमले में एक एक स्ट्रॉबेरी प्लांट लगा देंगे तो पौधा भी खूब बढ़िया ग्रो करेगा और इसके फल जो आएंगे वो नीचे चारों तरफ से लटकते हुए दिखाई देंगे, जो बहुत ही खूबसूरत देखने में भी लगेगा और फल भी आपका बहुत बढ़िया इससे निकल के आएगा, सड़ने का कोई चांस नहीं होगा। आइए अब आपको दिखाता हूँ जो हमने सेमी फिनिश तैयार कर रखे हैं। तो दोस्तों ये दोनों वो गमला है जो मैंने 36 घंटा पहले बनाया था, अब आपको निकाल के दिखाता हूँ। बनाने के बाद गमला हम कैसे निकालते हैं ये निकाल के दिखाता हूँ कि मैंने किस हिसाब से किस क्वालिटी का गमला अपने टेरिस पे अपने बागवानी के लिए बनाया है। तो चलिए अब ये भी दिखाता हूँ आपको। दोस्तों सबसे पहले निकालने से पहले आप मोल्ड को ऐसे हिला दें ताकि ये जो चिपका हुआ सा होता है वो कवर छोड़ दे, किनारा छोड़ दे और आसानी से निकल जाए। इसको उल्टा ऐसे कर देंगे और ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसे मैं पहले से निकाल के रखा हूँ, बिल्कुल ही ये आसानी से 36 घंटे बाद ऐसे निकल जाता है। फिनिशिंग देखिए कितना बढ़िया हुआ है दोस्तों, लग ही नहीं रहा है कि एक अनट्रेंड बंदा ने यूट्यूब पे देख के इतना सुंदर गमला बना दिया है। और एक छोटू गमला भी मैंने बनाया था, वो भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। कुछ भी नहीं करना है, 36 घंटे बाद ऐसे आप पलट देंगे तो ये गमला निकल जाएगा। कितना प्यारा गमला बन के आया ना दोस्तों। और ये छोटे वाला गमला मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें सीजनेबल प्लांट या छोटे प्लांट लगाते हैं तो ये पूरा गमला जो भर जाता है ना, गुलदस्ता बन जाता है। तो गमला बनाने का ये तरीका आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो उम्मीद है गमला बनाने का ये तरीका आपको पसंद आया होगा और आप भी अपने बागवानी के लिए खुद के हाथों द्वारा बनाया हुआ गमला को ऐड करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का गमला बनाने का ये तरीका देखने के लिए, और उम्मीद करूंगा मैं जैसे ये गमला बनाने का तरीका YouTube से देख के सीखा, आप भी इस चैनल पे अपलोड किए हुए वीडियो को बार बार देख के गमला बनाने का तरीका सीखेंगे। धन्यवाद दोस्तों इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए, और मिलते हैं आपसे फिर नए लोकेशन पे नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए।